कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में श्री गुरु रत्नेश्वर धाम दिखोरी, जो कि दिव्य पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का जन्म स्थान है। दिघोरी भारत के मध्य प्रदेश के सिवनी से लगभग 24 किलोमीटर दूर राहीवाड़ा से पश्चिम दिशा में गुरुधाम दिघोरी 8 किलोमीटर पर स्थित है। बता दें कि 17 साल पहले वर्ष 2002 में गुरुधाम दिघोरी में एशिया के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग की स्थापना धर्माचार्यों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई थी। जिस स्थान पर स्फटिक शिवलिंग की स्थापना हुई, उसी स्थान पर दिव्य पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी का भी जन्म हुआ था। स्फटिक के अनूठे शिवलिंग की स्थापना की गई। इस दौरान देश के समस्त पीठों के शंकराचार्यों के साथ देश के सभी धर्मों के महान धर्माचार्य भी पधारे थे। स्फटिक का शिवलिंग बर्फ की चट्टानों के बीच कई वर्षों तक पत्थर के दबे रहने से ऐसा शिवलिंग निर्मित होता है। यह शिवलिंग कश्मीर से लाया गया था। इस शिवलिंग के पूजन का भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वहीं पर स्फटिक के मणि शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के बाद चारों पीठों और अन्य धर्माचार्य की उपस्थिति में स्थापित किया गया था। इसी मार्ग पर ग्राम राहीवाड़ा बसा है। इस ग्राम के पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा गेट बनाया गया है। गेट पर भगवान शिव जी का परिवार विराजमान है। मुख्य मार्ग से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में ग्राम दिघोरी में श्री गुरु रत्नेश्वर धाम का विशाल मंदिर दक्षिण शैली में बना है। मंदिर में सीढ़ी चढ़ने के बाद एक हाल है, श्री नंदी महाराज विराजित है। इसके बाद एक गर्भगृह में स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में दर्शन और पूजन से समस्त पापों का नाश होता है। यहाँ पर स्वयं के वाहन से पहुंचा जा सकता है। यहाँ प्रतिदिन धर्मावलंबी आते रहते हैं। जन्मस्थली होने के नाते यहाँ उनका जन्म हुआ, उसी जगह पर स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई। 2002 15 फरवरी 2002 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर इसके स्फटिक मणिलिंग के स्फटिक शिवलिंग के दर्शन से मनोवांछा पूर्ण होती है। आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग है। स्फटिक मणि बोला जाता है। ये पूज्य पाद द्वीप पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म स्थान है। स्फटिक मणि के दर्शन मात्र से ही पापों का क्षय होता है और भगवान गुरु रत्नेश्वर के दर्शन करने से पुण्य लाभ अर्जित होते हैं। भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो भी भक्तों की मनोकामनाएँ होती हैं, वह भगवान का दर्शन एवं पूजन करके अपना धर्म लाभ अर्जित कर जाने वाले सिवनी के दिघोरी में विश्व का सबसे अद्भुत अद्वितीय शिवलिंग विराजित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्फटिक से निर्मित शिवलिंग जैसा विश्व में कहीं और कोई शिवलिंग नहीं है। इसके दर्शन करने देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अगर हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों की माने तो स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक से व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। स्फटिक के शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। शत्रु शरण में आ जाता है। सभी बाधाएं दूर होती हैं। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े दिव्य स्फटिक शिवलिंग मंदिरों में से एक भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिवनी।